नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बप्पा को लड्डू दूर्वा कितना पसंद है ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको दर्शन कराएंगे उज्जैन के एक ऐसे गणपति के जो गुड़ की डली से होते हैं प्रसन्न। कहते हैं जिसने भी यहाँ आकर गुड़ के साथ नारियल का भोग लगा दिया, बप्पा उसकी हर फरियाद जरूर सुनते हैं। यहाँ बप्पा के दर्शन मात्र से भक्तों के मन को मिलती है असीम शांति, तो गणपति कर देते हैं अपने भक्तों को समस्त चिंताओं से मुक्त। मंद मंद मुस्काते मनोहारी बाप्पा का ये रूप बिना कुछ कहे ही हर लेता है भक्तों के हर दुख। लगातार गूंजते आरती के सुर, भक्तों की अटूट श्रद्धा और गणपति के आभा मंडल से बाप्पा का दरबार रोशन हो उठता है। और जब गणपति दिखाते हैं अपना चमत्कार तो फिर कोई आस बाकी नहीं रहती, जीवन सफल हो जाता है और बाप्पा के आगे खुद ब खुद झुक जाता है भक्तों का शीश। उज्जैन के गढ़ कालिका क्षेत्र में स्थित स्थिरमन गणेश का ये रूप बेहद अनूठा है और उतना ही अनोखा है बाप्पा का प्रसाद, क्योंकि बाप्पा यहाँ दूर्वा से नहीं बल्कि गुड़ की डली से होते हैं प्रसन्न। कहते हैं जो कोई भी भक्त यहाँ आकर गुड़ के साथ नारियल का भोग लगा देता है, बाप्पा उसकी फरियाद जरूर सुनते हैं। यहाँ इस स्थिरमन भगवान में सभी जगह गणेश जी को मोदकों का भोग लगता है। यहाँ पे विशेष पारंपरिक और पुराना प्रसाद भगवान को गुड़ और नारियल का भोग लगता है। कई देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ गुड़ और नारियल का भोग लगाने गणेश जी को आते हैं और अपने मन को स्थिर शांत करते हैं और अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। यहाँ पे विशेष महत्व होता है गणेश जी को गुड़ और नारियल चढ़ाने का। गणपति को यहाँ स्थिर मन गणेश के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि अगर छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर कोई नौकरी या व्यवसाय के लक्ष्य से भटक रहा हो तो स्थिर मन गणेश समस्त समस्याओं को दूर कर अपने नाम के अनुरूप ही भटके हुए मन को स्थिर कर देते हैं। हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। श्री गणेश शरणम मम, श्री लंबोदर शरणम मम, श्री गजानन शरणम मम, श्री विघ्नराज शरणम मम। स्थिर मन गणेश के साथ ही विराजते हैं चिंतामन गणेश, जिनकी प्रतिमा स्थिर मन गणेश की प्रतिमा से काफी छोटी है, लेकिन बाप्पा के इन दोनों रूपों के चमत्कार बड़े ही निराले हैं। जहां एक तरफ बाप्पा का एक रूप मन को शांत करता है तो वहीं दूसरे रूप में बाप्पा अपने भक्तों को कर देते हैं समस्त चिंताओं से मुक्त। स्थिर मन गणपति इसलिए कहते हैं कि मन के जो विचार रहते हैं बड़े विचलित रहते हैं, वायु से भी तेज गति से बहते हैं, तो मन मनुष्य का मन बड़ा विचलित हो जाता है। तो इस गणपति की आराधना करते पे मनुष्य को ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के विचार शांत हो जाते हैं और मन स्थिर होके उसका जो लक्ष्य प्राप्त होने का है तो लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होता है। जिन लोगों का मन स्थिर नहीं रहता है उन लोगों का मन स्थिर हो जाता है। हालांकि हमारा मन क्या है, चारों तरफ घूमता रहता है, कहीं इधर उधर पढ़ाई वढ़ाई में नहीं लगता है, तो इसके लिए मैंने दर्शन किए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मन स्थिर हो गया है और आगे चल के मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। मंदिर में सुबह शाम उतारी जाती है बाप्पा की आरती और फिर भक्त भगवान तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। मंदिर जितना भव्य है उतनी ही खूबसूरत है बाप्पा की प्रतिमा, जिनका सुबह सवेरे सिंदूर से श्रृंगार कर चांदी के वर्क से उन्हें सजाया जाता है। मान्यता है कि भक्त यहाँ आकर अगर मंदिर के दीवार पर गाय के गोबर से उल्टा स्वास्तिक बनाकर बाप्पा से मुराद मांगे तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्रद्धालु बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ मंदिर के पीछे उल्टा स्वास्तिक बनाकर मन्नत मांगते हैं। वहीं मनोकामना पूरी होने पर स्थिर मन गणेश को 1100 लड्डुओं का भोग भी लगाते हैं। कहते हैं यहाँ दर्शन करने वालों के जीवन और परिवार पर गणपति कभी कोई मुसीबत नहीं आने देते। यही वजह है कि यहाँ हफ्ते का कोई भी दिन हो भक्तों का जमावड़ा यूं ही लगा रहता है।
उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। स्थिर मन गणेश के रूप में बप्पा ने यहाँ न सिर्फ अपने भक्तों का बल्कि भगवान का भी कल्याण कर चुके हैं। उनके ही दरबार में भगवान राम और राजा विक्रमादित्य को भी शांति मिली थी। क्यों माता सीता के कहने पर भगवान राम ने गणपति की स्थापना की, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। स्थिर मन गणेश, इसी नाम से पुकारा जाता है उज्जैन में बप्पा को। कतारों में भक्त सुबह सवेरे पहुंचते हैं गणपति के दरबार और उनके सामने रखते हैं अपनी फरियाद और फिर घंटियों और शंख से किया जाता है विघ्नहर्ता का गुणगान। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक गणेश विघ्नहर्ता है। विघ्न चाहे जिस तरह का हो, जहां भी हो, गणपति सभी दुख बाधाओं को हर लेते हैं। तभी तो स्थिर मन गणेश के रूप में बप्पा न सिर्फ अपने भक्तों का बल्कि भगवान का भी कल्याण कर चुके हैं। उनके ही दरबार में भगवान राम और राजा विक्रमादित्य को भी शांति मिली थी। कहते हैं त्रेता युग में जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ उज्जैन नगरी में तर्पण के लिए आए तो संस्कार के बाद श्री राम अत्यंत दुखी थे, उनका मन नहीं लग रहा था। तब माता सीता ने गणेश जी की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना की और भगवान राम को भी ऐसा करने को कहा। कहते हैं तब प्रभु राम ने गणेश जी की आराधना की, तब जाकर उनका मन स्थिर हुआ और तभी से बप्पा का नाम स्थिर मन गणेश पड़ा। तो वहीं लक्ष्मण ने अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए चिंता मन की स्थापना कर उनकी आराधना की, जिसके बाद वो सभी चिंताओं से मुक्त हुए थे। भगवान श्री स्थिर मन गणेश जी की स्थापना स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान ने की थी। भगवान रामचंद्र जानकी माता और लक्ष्मण जी जब अवंतिका नगरी में अपने पिताजी का तर्पण करने के लिए यहाँ रामघाट पे आए थे, उस समय उनकी पिता के मृत्यु को लेकर उनके मन में बड़ी अस्थिरता थी। सीता जी के कहने पे इस सिद्ध क्षेत्र में भगवान रामचंद्र जी ने गणेश जी की आराधना एवं स्थिर मन भगवान की स्थापना की थी। उसके बाद उनका मन स्थिर और शांत हुआ। इस नगरी के राजा रह चुके विक्रमादित्य का भी मन एक बार अशांत हो गया था, जिसके चलते न्याय प्रिय कहे जाने वाले विक्रमादित्य के कई फैसले गलत होने लगे। जब एक ब्राह्मण के कहने पर राजा ने इसी क्षेत्र में स्थिर मन गणेश की आराधना की, जिससे उनका मन स्थिर हुआ, उन्हें शांति मिली। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में विक्रमादित्य को भी एक बार मन अस्थिर हुआ था, तो उन्होंने भगवान स्थिर मन की आराधना की थी और अपना राजपाट फिर स्थिरता से चलाया था। मंदिर परिसर में ही एक शमी का वृक्ष भी है, जिसमें समाई है साक्षात गणपति की शक्तियां। पुराणों के मुताबिक भगवान गणेश को शमी के वृक्ष की पत्तियां अति प्रिय हैं और यही वजह है कि यहां बप्पा के साथ साथ श्रद्धालु इस शमी के वृक्ष की भी पूजा करते हैं। वहीं मंदिर प्रांगण में संतोषी माता और भगवान शिव के दर्शन कर भक्त हो जाते हैं निहाल। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन। सृष्टि के प्रथम पूजित देवता गणपति का दरबार, यह है महाराष्ट्र के जलगांव में विराजने वाले इच्छा पूर्ति गणेश का दरबार। जैसा नाम वैसा काम और वैसा ही यहाँ बप्पा का चमत्कार। गणपति की यही तो महिमा है कि सब कुछ भूल कर भक्त यहाँ लगाते हैं अपनी समस्त इच्छाओं के पूर्ण होने की अर्जी। जलगांव में शहर के बीचों बीच नेवी पेट और बैंक स्ट्रीट रोड पर बना है इच्छा पूर्ति गणेश का ये मंदिर, जो देखने में तो किसी भी आम मंदिरों की तरह ही है, लेकिन विघ्नकर्ता के नित नए चमत्कारों के कारण पूरे महाराष्ट्र में विख्यात है। कहते हैं पहले यह मंदिर काफी छोटा था, जहां केवल बापा की मूर्त हुआ करती थी,
लेकिन भक्तों की बढ़ती हुई आस्था के चलते 1995 में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर संगमरमर के सुंदर मंदिर का रूप दिया गया। मंदिर की स्थापना गणेश जयंती के दिन मार्च महीने में 1995 में हुई थी और जब से भक्तगण की गर्दी बहुत चालू है और भक्तों की इच्छा पूरी होती है। शंख की गूंज, घंटियों के स्वर और भव्य आरती के बीच होता है विनायक का श्रृंगार और फिर गणपति सुनते हैं भक्तों की फरियाद। इस मंदिर में मात्र 11 बुधवार की पूजा गणपति का आशीर्वाद दिला देती है, भक्तों का बेड़ा पार लगा देती है। इच्छा पूर्ति गणेश मंदिर में हर रोज भक्ति और आस्था की कुछ ऐसी ही धारा बहती है। सैकड़ों हजारों लोग बस खींचे चले आते हैं शिवपुत्र गणेश के दरबार में और खोल कर रख देते हैं अपना दिल। यहाँ हारों को सहारा मिलता है, दुखियारों को खुशियों की सौगात। चाहे कोई वक्त हो, कोई दिन, एक बार जो भगवान के दरबार में आया वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। गणेश जी को मालूम पड़ती है आने के बाद में और गणेश जी भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। इसके लिए इच्छा पूर्ति गणेश ये नाम पड़ा है। लगातार 15-20 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा ये मंदिर है, यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा दिल को लगता है। जितनी भी मनोकामना हम लोग यहाँ पर करते हैं, मन के अंदर जो इच्छा करते हैं, यहाँ पर ये महाराज हमारी पूरी करते हैं गणेश जी। रोड पर होने के कारण आते जाते हर भक्त बापा के सामने शीश नवाता है। इच्छा पूर्ति गणेश के दरबार में आने वाले भक्तों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है, जो बापा से मांगने आते हैं विद्या बुद्धि का वरदान। इस मंदिर में हर अंगारकी चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्तों की लंबी कतार देखने को मिलती है। वहीं गणेश चतुर्थी पर यहां महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों भक्तों को दाल बाटी और देसी घी का चूरमा प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। मनीष जो जलगांव आज तक। धर्म की हमारी आज की इस यात्रा में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।